हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम बता रहे हैं कि लूडो किस तरीके से खेल सकते हैं। आज हम लूडो खेलना सिखाएंगे जिनको नहीं आता, ठीक है। एक ऐप्स है, हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, मैक्स प्लेयर का नाम से, जिसमें आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो ठीक है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा, तो प्ले नाउ प्ले करते हैं। सर्च हो रहा है कि हमारे सामने कौन आता है, ठीक है। कबीर नाम का लड़का आया हमारे सामने, तो इस ये कोटी है। रोल रोल मतलब घुमाना, रोलिंग। हम इसको करेंगे तो ये घूमेगी। 3 अंक आए, मतलब ये है कि ये 4 गोटियां हैं, जो 6 आने पर हम इसको बाहर निकालेंगे घर से। ये हमारा घर है मान लीजिए, ठीक है। और ये जो ग्रीन पट्टी है, चारों साइड से इस तरीके से घूम के यहाँ पे आएगी। तो हम फिर दोबारा से रोलिंग करते हैं, 6 आ चुका है। फिर दोबारा घुमाते हैं, 6 आ गया। कुछ देर आप वेट करो, दोबारा से अगर 3 बार 6 आता तो हमें चांस नहीं मिलेगा गोटी चलने का, ठीक है। 3 आया। अब 6 से हम 2 गोटियां निकालते हैं और 1 को चलते हैं आगे की तरफ। उसने 1 निकाली और उसके 6 अंक आए थे, 1 निकाली और 4 से उसने आगे बढ़ाया, ठीक है वीर ने। तो फिर दोबारा से रोलिंग करते हैं, हमारा 4 अंक आया। तो ये 2 गोटियां, तो आप अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप देखोगे इसको कच्ची को भी आगे बढ़ाओगे, नहीं तो ये कच्ची, तो इसको आगे लेके चलते हैं। ये पक्का है, ये चिन्ह दर्शा रहा है, पक्का है। चिन्ह पक्के दर्शाने वाले जो यहाँ पे दिख रहे होंगे, रेड के पास में स्टार है, एक एक ब्लू के पास में स्टार है, एक येलो के पास में स्टार है और एक ग्रीन के पास स्टार है। तो ये स्टार मान लो, ये 2 स्टार हैं, तो इनको आप इनके बीच में रख के सेव कर सकते हो कि आपकी गोटी कोई मार नहीं सकता, ठीक है। अभी हम बताएंगे किस तरीके से मारी जाती है गोटी। हमारे 6 6 आ चुके हैं, सेम वही प्रोसेस है। फिर से दोबारा हमने 3 गोटियाँ निकाली, 4ों निकालनी, उसकी अभी 2 निकली हैं, तो हम 3 से आगे बढ़ाते हैं। सामने वाला ग्रीन टिक पे आ चुका है, हम उसकी गोटी को नहीं कूट सकते। अभी वो देखते हैं कच्ची को चलता है या पक्की को चलता है, देखते हैं वो क्या करता है। क्या बात है, उसने हमारे पीछे गोटी लेके पहुंच चुका है। कोई बात नहीं, हम इसको आगे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गोटी को पीट सकता है पीछे से। तो हमारी गोटी ब्लू नहीं है, ब्लू उसकी है और ग्रीन हमारी। ब्लू वाला हमारी गोटी को पीटेगा। हमारे 6 अंक आए हैं, तो हम चलते हैं इसके पीछे ही, ठीक है। तो उसकी गोटी पिट चुकी है, अंडरस्टैंड। 6 में नहीं पीटी, ओके, डोंट वरी। हम इसको इस तरफ से इधर कर लेते हैं, तो पिट चुकी है 3 में। ये बीच में देखिए, 1 2 3 ये कूट गई, ठीक है। और फिर हम उसके बाद ऐसे आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं इसके पीछे। अब इसकी गोटी, इसने हमारी गोटी को पीट दिया, हम इसी के पीछे रखते हैं। अपने हिसाब से हम चल रहे हैं, इसकी एक सिंगल गोटी है तो सिंगल ही चल रहा है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हम देखते हैं किसमें किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है।
उसने फिर 2 अंक आगे बढ़ाए हैं और हमारा 4 अंक आ चुका है और उसकी गोटी पिट चुकी है। ठीक है, हम इधर से भाग लेके चलते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो हमारी गुट्टी है उसके वहाँ कॉर्नर पे ले जाके उसके पीछे लगा के रखेगा, जैसे वो निकालता है और आगे चलेगा पीछे से फिर कूद सकते हैं, उसकी गोटी को मार सकते हैं। ठीक है, तो उसने अब 6 ही 4 से आगे बढ़ा दिया, तो हमारा 6 आता है तो उसकी गोटी पिट चुकी है। जब 6 3 बार आता तो हमारा चांस है जो कट आउट हो जाता है। ओके, ये हमने पक्की कर ली है स्टार्ट पे, उसने भी पक्की कर ली है। अब देखते हैं 6 में हम कहाँ पहुँचते हैं। इसको हम अंदर कर लेते हैं। अगर 4 अंक आता है तो हम 4 में डाल के हमें चांस मिल जाता है एक और। हम इसके पीछे अभी इस स्टार पे था तो इसकी गुट्टी को पिट पाना मुश्किल था, बाकी अभी इसने स्टार से बाहर निकाल दिया है तो हम देखते हैं इसकी पिट चुकी है गुट्टी, ये 5 में और 4 में फिर हमें चांस मिल जाएगा, हम डाल लेते हैं। फिर आ गए हैं 3, फिर इसको अंदर कर लेते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम ब्लू के पीछे लेके चलते हैं। 5 आया है, सबसे पहले 6 6 से आगे बढ़ाते हैं, 5 4 से अंदर, फिर 4 मिल चुका है, फिर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम इसी को लेके चलते हैं क्योंकि इसके अंक खुले तो शायद हमारी गोटी कूट सकती है, अभी उसके अंक कोई ऐसा आया नहीं जिससे गोटी उसके खुले, बाकी फिर भी हम इसके पीछे भागते हैं और वो सिंगल गोटी है तो उसके कूटने के चांस पूरे हैं, उसकी गोटी मर सकती है, मरने का चांस पूरा है। अब हमारा 1 चाहिए, हमें 1 नहीं आया हमारा, उसका 1 आया था, देखते हैं अब क्या होता है। उसके 3 आ गए और हमें 4 की आवश्यकता है, हमारा 5 है। फिर हम इसको चलते हैं, यहाँ पे 4 आई, इसकी गोटी पिट चुकी है अब, ये देखिए मार दिया हमने। इसको हम अंदर की तरफ ले चलते हैं, अंदर की तरफ नहीं, हम इसको भगाते हैं, वो यहाँ से गुजरेगा तो हम इसको वाया स्टार पे बिठा रखा कि उसकी गोटी मार सकते हैं। हम इसके हाथ आने वाले नहीं क्योंकि हम आगे पहुंच चुके हैं, बाकी ये है कि हम इसकी यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारी गोटी भी मरेगी क्योंकि अब हमारे लास्ट में जो सिंगल गोटी रह जाती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी गोटी नहीं मरेगी, मरने के चांस हैं, बाकी अंक अच्छे आ जाते हैं तो हम उसको भगा सकते हैं। जैसे कि हमने ये भगा दिए यहाँ से, अब हम जीत का जो हमारा वो है, शायद हमें लगता है कि हम जीत सकते हैं क्योंकि उसकी 1 गोटी अंदर गई और हमारी 3 हो जा चुकी हैं, 4 हो जा चुकी, सॉरी, अब हमारी 4ों अंदर हैं और हमें सिर्फ वहाँ डालने में कुछ ही टाइम लगेगा, हमने किया, अभी हमें 1 अंक चाहिए और 5 चाहिए।
पांच आ चुका है और ये पांच में गिनूंगा। और ये तीन अभी एक आया नहीं है, तो जब एक आएगा तो एक अंक की आवश्यकता, हम जीत सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा था आप हमारे यूट्यूब, ये देखिए हम जीत चुके हैं। वेल प्लेड, योर विनर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, तो हम दोबारा से इस वीडियो को फिर दोबारा से हम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, अभी ज्वाइन टूर्नामेंट 1000 है, तो इसमें जो पोल दिया हुआ है वो 3676 इसमें लोग भाग हैं, वो इतनी बार अगर जीतता है तो उसको पैसा मिलेगा। चलो ठीक है, हम ज्वाइन करते हैं। कंफर्म, हम ज्वाइन हो चुके। चलो ठीक है, एक बार जो लगाते हैं, देखते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से लूडो की गोटी को मारा जाता है। और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप कंटिन्यू खेलते रहे, एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, हमारे सामने कोई लत्थी का नाम की लड़की आई है। चलो ठीक है, रोलिंग प्ले, जो पहले जीत के आता है उसी की फर्स्ट में रोल आता है। तो ठीक है, हम जीत चुके थे तो रोल आ गया, अब देखते हैं कि कौन जीतता है। उसका 6 आ चुके हैं, तीन तीन बार, जो तीन बार आते हैं तो चांस नहीं मिलता। दो बार 6-6 आएगा तो हमें चांस मिलेगा, बाकी तीन बार नहीं आएगा। जैसे देखिए, उसने एक बार उसका 6 आया। ठीक है, हमारे लिए दो गोटी निकल चुकी हैं। ओके, बहुत से लूडो में ऐसा भी होता है कि एक अंक आने पर भी आप गोटी को बाहर निकाल सकते हो, बाकी इसमें नहीं है। वो आप जब खेलते हो तो उसी टाइम जब एक अंक आता है तब उस टाइम चेक कर सकते हो, बाकी इसमें नहीं है। तीन तीन बार आ चुके हैं, हमें इस गोटी को आगे ले जाना होगा, नहीं तो हमारी गोटी को मार सकता है। वो हमारे पीछे चल रहा है, हम उसके आगे हैं, हम फिर आगे एक बढ़ाते हैं। अभी देखते हैं पांच की हमें आवश्यकता। शिट, उसने आगे बढ़ा लिया है और उसकी पक्की गुट्टी है, उसको हमें मारना होगा। उसकी पक्की गुट गई, क्या करें, हमारी कच्ची है जो वो मारी गई है, वो उसकी पक चुकी है। चलो हम पीछे चलते हैं, अब हमें चाहिए पांच की आवश्यकता। उसकी गुट्टी मर चुकी है। ठीक है, उसकी गुट्टी एक मर गई और हमारी भी, हमारी एक गुट्टी। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम 6 अंक चाहिए जिससे हम गुट्टी को बाहर निकाल सकें, क्योंकि हमारी अंदर घर में बंद हो चुकी है। एक अंक आया, अब एक अंक से नहीं निकलती, इसमें ऑटोमेटिक चल रहा है। उसने एक निकाल ली, उसने आगे बढ़ाई। शिट, हमारा एक ही गुट्टी है तो वो ऑटोमेटिक आगे चलेगी। फिर हम पीछे पहुंच गए क्योंकि उसने हमारी गुट्टी को मार दिया। ठीक है, हमने फिर एक निकाली, फिर आगे बढ़ाई, पीछे से वो उसकी दो, देखते हैं क्या होता है। हम फिर एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से अगर निकाल के रखेंगे इस अपनी गोटी को तो वो हमारी गोटी को मारने का चांस कम रहता है। अगर हम अपनी गोटी को नहीं निकालेंगे तो वो हमारे पीछे चलेगा, उसका रास्ता जो साफ होगा। ठीक है, हमारी भी दो गोटी बाहर है, उसकी भी दो गोटी बाहर है। ये एक मैच लग रहा है, देखते हैं हमें कितने रुपए मिलते हैं। बहुत ही अच्छा सिंपल है, जिसके दिमाग में बैठ गया तो पक्का शोर है। इसके हमने गोटी मार दी है। ठीक है, तो हम इसको आगे चलते हैं। अब इसके 6 के, अगर 6 आ गया तो हमारी गोटी मर जाएगी, बाकी हमें आगे करना पड़ेगा। फिर दोबारा से इसी को आगे करते हैं। हमारा 6 खुले तब हमारी बात बन सकती है, अन्यथा हम उसको बढ़ाएंगे ना कि अब इसको। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमें पीछे से मारेगा, हम इसको चलते हैं, ये आगे आएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, अब हम इसी को ही चलेंगे, अंडरस्टैंड। और अभी भी हम इसको चलेंगे, इसके पीछे चलेंगे, हम बराबर में हैं। 4 की आवश्यकता हमें मिल चुका है, हमने गोटी इसकी मार दी है। अब हमें 4 करना, आगे गए हम।
हम आगे चल रहे हैं क्या, अगर हमें अपनी गोटी बचानी है। ये पक्की हो चुकी है, तब हम इसको नहीं चलेंगे और उसको चलेंगे, ठीक है। किसको? इस कच्ची गुट्टी को, पीछे से उसकी एक गुट्टी है, वो आगे चल रही है। अब हमारा 5 अंक आता तो उसकी गोटी मर सकती है, मर चुकी है जी। 6 में हमने निकाला और उसकी मार दी हमने, ठीक है। अब हम इसको फिर दोबारा से कॉर्नर में ले जाके उसके पीछे बिठा देते हैं, जैसे ही वो सामने से निकलेगी और फिर चलेगा, फिर हम उस गोटी को मार सकते हैं। हम अंदर डाल लेते हैं अपनी गुट्टी को। चलो हम पीछे से चलते हैं, शायद इसकी गुट्टी अभी तक निकली नहीं है। हमने अपनी मर 3 अंक आए, हमारी 2 गुटियाँ मर चुकी हैं। देखते हैं क्या होता है, 2 आ चुका था, हम 2 में डालते हैं, हमें चांस मिल जाएगा। 1 कंचा आया, कंचा मतलब 1, 1 को कंचा भी कह सकते हैं और 1 अंक भी कह सकते हैं। उसने हमारी फिर तो हमारा गुट्टी मार दी, क्या करें। हमारी 1 गुट्टी अपने घर में पहुंची और 3 बंद है। हमारा 6 आ जाए तभी वो बाहर निकल पाएगी, अन्यथा हम ऐसे ही बंद रहेंगे और वो जीत जाएगा। अगर 6-6 अंक आते हैं तो सबसे पहले आप सबको बाहर निकालें, जैसे हमने निकाली थी सब। 6 ही नहीं आ रहा, क्या करें। लगता है अब की बार बाजी उसके हाथ में, वो जीतेंगे। बाकी देखते हैं, अभी कुछ नहीं, इतना ये तो गेम है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो उसने उसकी 1 गोटी भी नहीं डली है और हमारी डल चुकी है, ठीक है। देखते हैं हमारे 6 अंक आते हैं नहीं आते हैं। हमारे 6 नहीं आ रहे और उसके आ रहे हैं दबा दबा। देखते हैं हमारी गोटी पिटेगी शायद, हमें लगता है फिर दोबारा से, क्योंकि वो पीछे से आकर बैठा है और हमारी गोटी पिटने का पूरा चांस है। चलो हमारी 1 गोटी बाहर आई, 4 अंक चले। 1 आया है, शायद वो गोटी निकल जाएगी मेरे हाथ से, वो निकल चुकी है। कोई बात नहीं, हम बाहर निकालते हैं क्योंकि बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, उसकी 2 गुटियां पक चुकी हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 अंक है, हमने आगे बढ़े, उसके अंक बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। देखते हैं किसकी हार किसकी जीत होती है। 4 अंक आया तो हम इसको पक्का कर लेते हैं, इसके पीछे बैठाते हैं। क्या करें जी, हम इधर से चलेंगे क्योंकि ये पक्की है। हमारे भी 3 आ चुके हैं, इसकी भी गुट्टी गई। ये हमारी पक्की हो चुकी है, उसकी भी हमने गुट्टी 1 मार दी है। अभी हमारी 1 ही बाहर है तो ऑटोमेटिक चलती रहेगी, हमें चलाने की आवश्यकता नहीं है उसको।
हमारे 6 और 5 है, तो हमने 6 में एक निकाल ली तो रास्ता बंद कर दिया और 5 में आगे बढ़ा ली। अभी हमारी भी गुड्डी बीच में फंस चुकी है, क्योंकि उसके पीछे से आ रही है, एक सामने से खड़ी है। देखते हैं क्या करता है वो। हम इसको अंदर ले लेते हैं, हम इसको चलते हैं क्योंकि यहाँ पे वो गुजरेगा, तो देखते हैं क्या। हमारे 2 अंक आ चुके हैं, उसकी गुड्डी पिट चुकी है और 2 में अंदर भी हो गई। ठीक है, 3 में हमने इसको पक्का किया, वो पीछे चल रहा है हमारे। 5 आया अंक हम अंदर कर लेते हैं इसको, तो हमें चांस मिल गया। ठीक है, अब हमारी एक गुट्टी वाली ऑटोमेटिक चलती रहेगी, वो खुद अपने आप चलेगी। 3 अंक आए, फिर वो चलेगी आगे। ठीक है, हम बराबर आ चुके हैं उसके। उसने 2 डाली, हमने भी डाल दी। उसकी गोटी एक अंदर है, एक हमारी है। अब हमें इस गुट्टी को और पीटना है, अगर ये गुट्टी पिट जाए तो शायद हम जीत सकते हैं। हमारी गुट्टी पिट चुकी है क्योंकि उसके अंक बहुत अच्छे आए थे। हमारी शायद हमें लगता है अब की बार हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। हमारे अंक ही नहीं खुल रहे हैं, क्या करें। जब ही खोलेंगे, जब इसकी गुट्टी पीछे आएगी और हमारी गुट्टी मरेगी शायद, हमें लगता है। निकल गई उसकी गुट्टी हमारे हाथ से और हम शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी 2 गुट्टियाँ अंदर है और उसकी 3। अब वो जीत जाएगा क्योंकि उसके 5 अंक आएगा अब की बार। एक चांस है, एक अंक की आवश्यकता है उसको और एक अंक उसको मिल जाएगा। क्योंकि वही जीतेगा, क्योंकि वो पहले अंदर गया है और वो जीत चुका है। देखिए, यू लॉस्ट 10 पॉइंट, 20 माइनस हो चुके हैं हमारे। हमें कुछ नहीं मिला है और आप इस तरीके से लूडो खेल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पीछे प्ले अगेन दोबारा से कर सकते हैं। शेयर स्कोर आप किसी को भेज सकते हो और फुल रैंकिंग्स आप यहाँ पे अपना रैंक देख सकते हो, किस रैंक पे हो। जिस तरीके से ये सभी खेल रहे हैं, देखिए हमारा 0 रैंक है, सभी के इतने इतने पैसे कमाए हुए हैं। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप लूडो खेल सकते हो। हमने जिसको नहीं आता हो, इस वही वीडियो को देख के बहुत अच्छे से सीख सकता है। और हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, मैक्स प्ले, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और फिर जिस तरीके से यहाँ पे 5 ऑप्शन होंगे, लोकल्स, वीडियो एंड म्यूजिक एंड गेम्स एंड मी, मी जो ऑप्शन होगा इस पे ओके करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट में ऊपर लिखा होगा जहाँ पे ये लॉग आउट है, ऊपर सिंगिन लिखा होगा, वहाँ पे जाके आप जिमल से सिंगिन कर लें, सिंगअप करके उसके बाद आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर। इसमें बहुत सारे गेम हैं और भी जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो खेल सकते हैं। बाकी मैंने ज़्यादातर इसमें यही बताया कि आप लूडो किस तरीके से खेल सकते हैं। शायद उम्मीद है कि आपको समझ आएगा गेम, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करें। और
आप इसी तरीके से खेलते रहे, आप भी बेस्ट बहुत अच्छे सीख जाओगे। जिसको नहीं आता ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।